काम करते हैं। और ये देखिए जिस तरीके गैस ग्रीस लगा के हम जो है वो इस तरह इसको प्रेस कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से फ्री हो गया है, तो ये फ्री होना बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज जो है आपके सामने फिर से एक वीडियो लेके आने जा रहा हूँ, और इस वीडियो का कंटेंट रहने वाला है हमारे होंडा हॉर्नेट का ब्रेक पैड हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। और जो मेरे पास मॉडल है वो है CBS मॉडल। तो CBS मॉडल के अंदर दोस्तों अभी मेरे से एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई कि मैंने घर पे वो ब्रेक पैड जिस तरीके से मैंने कल पीछे के ब्रेक पैड का मेंटेनेंस किया था, आज सोचा कि आगे के ब्रेक पैड का मेंटेनेंस करूं, तो मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई है कि एलंकी के ऊपर जो है वो एक रबड़ का जो है वो कैपिंग था, तो बाय मिस्टेकली मुझे लगा कि वो सेम कैपिंग बैक वाले का जैसा ही आगे भी है, तो वो कैप मुझे ये लगा और ये कैप मैंने खींच के निकाल दिया। और निकालने के बाद में जो है वो अब मैं ब्रेक मार रहा हूँ या गाड़ी थोड़ी सी भी जर्क में जा रही है तो आवाज आनी शुरू हो गई गाड़ी के अंदर, जैसे आगे फ्रंट ब्रेक के अंदर कुछ टकरा रहा हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो सारी चीजें क्या है, आप कैसे होंडा हॉर्नेट का ब्रेक पैड रिप्लेस कर सकते हो, और ये कैप जो अभी मेरे हाथ से गलती से निकला है इस कैप का यूजेस क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो ये सामने जो है वो होंडा हॉर्नेट मेरी CBS मॉडल है, और CBS मॉडल के अंदर जो है वो अभी जो है वो मेरे हाथ से ये कैप गलती से निकल गया है। और इस कैप के निकलने की वजह से जो है वो दोस्तों डिस्क ब्रेक पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है आप देख सकते हो, ये टकरा रहा है और एक अजीब सा नॉइस आ रहा है गाड़ी से ब्रेक मारते ही। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि इस कैप को हम कैसे इंस्टॉल करने वाले हैं और गाड़ी का जो ब्रेक पैड है उस ब्रेक पैड को हम कैसे घर पे रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो है वो हमें सबसे पहले फ्रंट ब्रेक खोलने के लिए ये वाला एक नट है यहाँ पे वो, और ये वाला नट खोलना पड़ेगा। दोस्तों ये जैसे दोनों दो नट हमने खोला वैसे ये देखिए हमारा ब्रेक पैड बाहर आ गया है। और अब देखते हैं इस कैप को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है। ये पूरा खोलना पड़ेगा भाई, जैसे कि आप देख रहे हो डिस्क ब्रेक का सेट पूरा बाहर आ चुका है और बॉटम का एक नट हमने खोला है अभी। और जैसे ही हमने ये बॉटम का नट खोला दोस्तों, तो मात्र तीन नट खोलने से ये देखिए फ्रंट ब्रेक का जो ब्रेक पैड है वो आ गया बाहर, और आप ये देख सकते हो इसके ऊपर लाइनिंग्स वगैरह है, तो चलते वक्त दोस्तों इसके अंदर जो कंकड़ वगैरह जाती है वो इस ब्रेक पैड को भी डैमेज करती है और हमारे डिस्क को भी डैमेज करती है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से जो है वो डिस्क पे भी जो है वो मार्किंग्स आई है। तो इस ब्रेक पैड को अभी जो है मैं घिसूंगा थोड़ा सा और घिसने के बाद इंस्टॉल करूंगा ताकि जो इसके अंदर जो भी डस्टिंग वगैरह है वो निकल जाए। तो दोस्तों वो जैसे हमने निकाला है अब यहां से जो है वो निकालना है इसको, इसको हमने थोड़ा सा जो है बैक साइड में प्रेस किया और ये निकल के हमारे हाथ में आ गया। और इसके अंदर जो रबड़ बुशिंग ओके, तो आइए उस कैप को हम इंस्टॉल करते हैं। ये है वो कैप, ये जो है दोस्तों हमारा जो है वो रबड़ का शॉकर इंस्टॉल हो गया है। और ये जो है वो इसका हाइड्रोलिक पंप्स आपको अंदर दिख रहा होगा, ये जो गोल गोल आपको तीन रिंग्स दिख रही है ये इसके हाइड्रोलिक पंप हैं जो कि ब्रेक पैड पे प्रेशर डालने का काम करते हैं। तो ये तो हमने आपको बता दिया किस तरीके से हमने खोला, चलिए आइए इसकी फिटिंग करते हैं। इसका पकड़े रखिएगा पूरा। अच्छा ये रबड़ कट जाएगा। तो दोस्तों अच्छा है अभी हम इसके अंदर ग्रीस भी लगा रहे हैं ताकि जो है रबड़ कटे नहीं, कभी कटे ना, मतलब अपना पैड कभी घिसेगा नहीं। ओके में चलता है ना, हाँ हाँ, बाद में ग्रीस नहीं लगा सूखा चलेगा ना वो पकड़ लेता है। ओके ठीक है लगाओ फिर, सब काम में दे रही हूँ, उसके अंदर ही भर देना। नहीं नहीं इसे भरेगा। तो ये हमने इंस्टॉल कर दिया है दोस्तों और ये फाइनल इंस्टॉलेशन चालू है। और ये देखिए जिस तरीके गैस ग्रीस लगा के हम जो है वो इस तरह इसको प्रेस कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से फ्री हो गया है, तो ये फ्री होना बहुत जरूरी है।
तो ये जो आपका रबड़ कैपिंग है ये ऑयल के प्रेशर को रिड्यूस करके आपके ब्रेक पैड को जो है वो थोड़ा सा लॉक रखने का काम करता है। दूसरा वाला भी लगा दे, ये बाद में लगेगा कि अभी लगेगा? ओके, तो ये जो है वो हमने दूसरा भी लगा दिया और दोनों खांचे जो है वो हमने मैच कर दिए। दोस्तों ये जो है वो हमने आगे के डिस्क ब्रेक की पूरी सेटिंग कर दी। तो ब्रेक पैड्स इस एक नट को निकालने के वजह से निकल गए थे और इस एक नट को लगाने के वजह से फिर से अपनी जगह पे फिक्स हो चुके हैं। फिर से काम करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि हमने जो है वो ब्रेक पैड को घिसा, घिसने के बाद में जो है वो उसको फिर से जो है वो थोड़ा सा लुब्रिकेशन दिया, लुब्रिकेशन के बाद में इंस्टॉल कर दिया और नाव जो है वो टायर एकदम फ्री घूम रहा है। तो चलिए आइए आप पीछे की तरफ चलते हैं और पीछे के ब्रेक पैड को हम किस तरीके से निकाल के चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आइए, ये जो है वो हम पीछे की तरफ आ गए हैं। तो दोस्तों ये कैप आपको दिख रहा होगा, इस कैप को सबसे पहले मैं रिमूव कर देता हूं। ये 5mm का एलिंकी मैं यूज कर रहा हूं इसको ओपन करने के लिए। ये 5mm के एलिंकी से इसको हम ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये नट हमने निकाल लिया एलिंकी का और अब धीरे से जो है वो इस ब्रेक पैड को पीछे की तरफ स्लाइड किया। ये ब्रेक पैड जो है वो हमारे हाथ में आ गया और इस दूसरे वाले ब्रेक पैड को भी हमने निकाल लिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको इस पे देखिए थोड़ी सी जो है वो चमक दिख रही होगी। तो इस ब्रेक पैड का कल मैंने मेंटेनेंस किया था, बट इस वीडियो में किस तरीके से हम फ्रंट ब्रेक पैड को और पीछे की ब्रेक पैड को निकाल सकते हैं तो वो दिखाने के लिए मैंने ये ब्रेक पैड फिर से खोला है। तो जिस तरीके से हमने निकाला था उसी तरीके से जो है वो अगर आपका ब्रेक पैड घिस गया है तो घिसे हुए ब्रेक पैड की जगह न्यू ब्रेक पैड लगाइए। अगर आपके डिस्क पे जो है वो इस तरीके के लाइनिंग्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा जो है वो आप पॉलिश पेपर से डिस्क को ब्रेक पैड को घिस दीजिए और उसके बाद फिर से इंस्टॉल कर दीजिए। होप कि ये थोड़ा सा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा आपका और ब्रेकिंग पावर भी आपकी बढ़ जाएगी। तो चलिए जिस तरीके से हमने निकाला था उस तरीके से फिर से इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये एलिंकी हमने ले लिया, ये जो है वो हमने फर्स्ट स्टेज क्रॉस किया और ये जो है वो दूसरा ब्रेक पैड, इसको भी हमने जगह पे ले लिया और इसको धीरे से हमने स्लाइड किया होल की तरफ। टाइट कर दिया हमने इसको, फाइनल प्रेशर देके इसको ये पूरा टाइट किया। तो ये जो है वो दोस्तों हमारा जो है वो पीछे का ब्रेक पैड भी किस तरीके से निकालते हैं और लगाते हैं, क्या करना होता है वो आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया। फाइनल इंस्टॉलेशन ये रबड़ कैप। रबड़ कैप भी इंस्टॉल हो गई, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर देके फिट कर देता हूं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो हम हमारी होंडा हॉर्नेट, मेरी होंडा हॉर्नेट का मैंने जो है वो फ्रंट ब्रेक पैड का मेंटेनेंस किया और बैक साइड के ब्रेक पैड का मेंटेनेंस किया। तो सेम चीजें यूज करके अगर कभी आप इमरजेंसी में अटकते हो, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, आपके ब्रेक के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो छोटा मोटा ट्रबल शूट आप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।